देश भर में फैल रही है नागरिकता संशोधन कानून की आग। दंगों के दंश से क्या होगा देश का हाल। रामलीला मैदान में सज गया है मोदी दरबार। कितनी सेफ है दिल्ली में बीजेपी की धन्यवाद रैली। देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में सीएए का विरोध जोरों पर है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली का क्या होगा। सवाल इसलिए है क्योंकि रामलीला मैदान दिल्ली के उसी इलाके में आता है जो फिलहाल पूरी तरह से सेंसिटिव माना जा रहा है। इस इलाके से कुछ मीटर की दूरी पर योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवियों को इस बिल का विरोध करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। 19 दिसंबर को शहादत दिवस पे जब हजारों लोग लाल किला में पहुंचे तो वहां से पुलिस ने डिटेन कर लिया। हम भी एक ऐसी बस में बैठे हैं, पुलिस कहती है हमें दिल्ली में बवाना की तरफ ले जा रही है। इस इलाके में लाल किला और जामा मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली रखी है। दिल्ली बीजेपी ने इसे धन्यवाद रैली का नाम दिया है। इस रैली में पीएम मोदी के हाथों से अनधिकृत कॉलोनियों के कुछ लोगों को पक्की रजिस्ट्री के कागज देने की योजना है। ऐसे में 2 लाख लोगों का टारगेट लेकर चल रही भाजपा के लिए इस रैली को सफल बना पाना एक बड़ी चुनौती होगी। इतना ही नहीं, यहाँ रैली को कामयाब बनाना दिल्ली पुलिस के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। इससे पहले गुरुवार को जहाँ लाल किला इलाके के आसपास हंगामा हुआ तो कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इतना ही नहीं, इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवा ठप कर दी गई। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 कर लोगों को प्रदर्शन न करने की हिदायत दी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस इलाके में किसी को प्रदर्शन तक करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ बीजेपी को इतनी बड़ी रैली करने की इजाज़त आखिर दी क्यों जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।